अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ इस वक्त उमर खान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। ईद के त्योहार को देखते हुए बागपत जनपद में पुलिस रही अलर्ट। जगह जगह पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पिछले कई महीनों से कोरोना वायरस बीमारी की वजह से लोग काफी परेशान हैं और अब इसका असर त्योहारों में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ही वीकली लॉकडाउन में आज ईद का त्योहार लॉकडाउन में अपने ही घरों में रहकर मना रहे हैं। क्योंकि लोगों को त्योहारों पर कोरोना वायरस महामारी से बचाने के लिए बागपत के अधिकारी शांति समिति की मीटिंग आयोजित कर अपील कर रहे थे और आज ईद के दिन जनपद के तमाम थाना क्षेत्रों में पुलिस का सख्त पहरा है और किसी को भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई भी कर रही है। आपको बता दें कि मार्च के महीने में देश में कोरोना वायरस महामारी की दस्तक देने के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया था और लोगों से अपील की थी कि लोग अपने घरों में सोशल डिस्टेंस बनाकर रहे, तभी कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। कि महीने तक चले लॉकडाउन के बाद अनलॉक की शुरुआत हुई तो लोगों को कुछ राहत मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कोरोना वायरस का खतरा बरकरार है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया हुआ है और ऐसे में सभी से अपील की जा रही है कि लॉकडाउन में अपने घरों में ही सोशल डिस्टेंस में रहे। वही कोरोना वायरस का असर त्योहारों पर भी देखने को मिल रहा है। आज यानी शनिवार को ईद का त्योहार है तो सरकार ने लोगों को कोरोना से बचाने के लिए अपील की थी कि लोग अपने घरों में रहकर परिवार के साथ सोशल डिस्टेंस में रहकर त्योहार मनाएं और साफ सफाई का ध्यान रखें, जिसके चलते लॉकडाउन के मद्देनजर त्योहार पर पुलिस और प्रशासन का सख्त पहरा है और चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात की गई है। बागपत जिले के कस्बा बदौत, बागपत व खेकरा समेत तमाम थाना क्षेत्रों में अधिकारी भरिमन कर रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई भी कर रही है। देखिए, आज ईद के परिप्रेक्ष्य में अभी ईद के त्यौहार है और लोग धूमधाम से अपने घरों में मना रहे हैं और इस संबंध में जगह जगह पुलिस की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और हमारा और SDM साहब द्वारा ज्वाइंट भ्रमण किया जा रहा है क्षेत्र में और हर तरफ लोग शांति और उल्लास के साथ अपने घरों पर इसको त्यौहार। सर, ईद भी है और लॉकडाउन भी है, सर क्या पालन जनता पालन क्या करें? लॉकडाउन में हम लोग ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें और कोई प्रतिष्ठान और कोई दुकान न खुले क्षेत्र में, और इसका पालन किया भी जा रहा है और बाकी त्यौहार लोग अपने घरों में मना रहे हैं। नमाज सुबह लोगों ने अपने घरों में अदा करी है और अब इस समय अपना त्यौहार मना रहे घरों में। सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन।